संतान नहीं होने पर परेशान कर रहे ससुराल वाले महिला ने की थी लव मैरिज। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घोसीपुरा की निवासी एक महिला ने आज एसपी ऑफिस में आवेदन देकर ससुरालियों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस से ससुरालियों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार अनामिका कुशवाहा पत्नी संजय बाथम निवासी लाल कोठी के पीछे घोसीपुरा थाना फिजिकल ने बताया कि उसने संजय बाथम से लव मैरिज की थी। अनामिका कुशवाहा ने बताया कि संतान न होने से ससुराली जन बांझ कहकर अपमानित करते हैं, जिससे भारी मानसिक पीड़ा होती है। इसके साथ ही ससुर भगवान लाल बाथम, सास पार्वती देवी देवर राहुल बाथम, देवरानी कृष्णा बाथम दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर मारपीट करते हैं। कहते हैं कि 5 लाख रुपए लाओ तभी तुम्हें घर में सुख शांति से रहने देंगे। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर ससुराली जन के विरुद्ध दहेज एक्ट एवं मानसिक प्रताड़ित करने हेतु अपराध पंजीबृत कर गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। अनामिका कुशवाहा कहाँ से आई है? जो ये बाथम हो गया है समाज, कहाँ से आई है? फिजिकल लालकोटी के पीछे फिजिकल। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या हुआ आपके साथ? ससुराल वाले परेशान करते हैं और ऊपर से मेरे ऊपर ही केस कर रहे हैं, मैं कहाँ से दूंगी उन्हें भरण पोषण? परेशान क्यों कर रहे हैं ससुराल वाले? बच्चे नहीं है और कोई भी बात पे, वो तो घर में भी परेशान करते हैं, पानी वगैरह नहीं भरने देते, आना जाना कहीं पे कुछ नहीं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 2018 में। तो क्या आपने लव मैरिज की है? हाँ, लव मैरिज हुई है दूसरी समाज में। मैं कुशवा हूँ, हस्बैंड बाथम है। कहाँ मिले थे आपके हस्बैंड आपको? हस्बैंड पास में ही रहते हैं, बिल्कुल जस्ट पास में ही रहते हैं। पास में लोगों को सबको बता था, ससुराल वालों को। तो अफेयर कितना पुराना था शादी से पहले आपका? 2 साल पहले से। 2 साल पहले से, तो फिर आपने शादी कर ली? इसके घर वालों को भी मंजूर था, उन लोगों ने ही करवाई थी। अच्छा, ससुराल वालों ने ही करवाई। तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? तो वो लोग ही परेशान कर रहे हैं मुझे। नहीं, कोई कारण तो होगा ना परेशान? बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं। घर से निकल जा, हम दूसरी शादी करवा देंगे उसकी। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2018 में। तो अब आप क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं अगर घर से निकल जाऊंगी, पहले तो इसने मुझे घर से बुलवा लिया, वहाँ से वो लोग तो बुलाते करते हैं नहीं, अब मैं कहाँ जाऊंगी रहने के लिए? अच्छा, हस्बैंड नहीं, उसके घर वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। क्या करता है हस्बैंड? हस्बैंड साड़ी की दुकान पे काम करता है। आप क्या करती हैं? मैं अभी कुछ नहीं करती, एक दुकान पे काम कर रही थी अभी वहाँ पे। एसपी सर ने क्या कहा आपसे? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, नोटिस ले लिया है, वो बोल रहे हैं देखते हैं जल्दी कार्रवाई करेंगे। थाने पर गई होंगी? फिजिकल थाने पर? फिजिकल थाना 2 महीने पहले ही उन लोगों ने हाथ उठाया था मेरे ऊपर दूसरी बार, उसकी मम्मी ने। तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड के ही साइन करा लिए थे उन्होंने।